बिल्कुल शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी का कोई तुक नहीं है और इसके चार वजह भी मैंने बताया है क्यों हटाया जाना चाहिए। पहला, दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का, राज्य का, देश का भला हुआ हो, आर्थिक या सामाजिक। इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े राज्य हैं, इतने विद्वान समझदार लोग हैं, अगर शराबबंदी के जरिए ही सामाजिक आर्थिक उत्थान संभव था तो दुनिया में बहुत लोगों ने यह प्रयास किया होता। ऐसा कोई प्रमाण दुनिया में है नहीं। दूसरा, कुछ लोग ये बताते हैं कि ये गांधी जी के विचार से प्रेरित है इसलिए शराबबंदी लागू किया गया है। कम से कम नीतीश कुमार या उनके चाटुकार नेताओं अफसरों का ये दावा है। इस बात को भी लेकर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो भी गांधी को पढ़ने समझने का दावा करता है उनको ये खुली चुनौती है कि मुझे गांधी जी का वो वाक्य लिखा हुआ या बोला हुआ दिखा दें जहाँ गांधी जी ने ये कहा है कि शराबबंदी करने के लिए कानून बनाया जाए। गांधी जी ने शराबबंदी की बात नहीं कही है, उन्होंने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है कि शराब पीना बुरी बात है, शराब न पिए लोग, इसके लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में कानून बनाकर शराब पीने वाले को जेल में डाल दिया जाए, इस काम को अवैध घोषित कर दिया जाए। इसका उदाहरण एक आप ऐसे समझिए, गांधी जी ने कहा कि वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कोई आकर ये कानून बना दे कि जो भी शाकाहारी नहीं है उस सबको जेल में डाल दिया जाएगा, ये तो गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने ये नहीं कहा है, उन्होंने इसको एक सामाजिक वर्चू के तौर पर बताया है कि शराब नहीं पीना चाहिए और उसके लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि सरकार शराबबंदी के खिलाफ कानून बना दे। तीसरी बात, शराबबंदी बिहार में लागू है कहाँ? अगर मान लीजिए एक मिनट को बहस के लिए कि शराबबंदी का कुछ फायदा है भी, तो लागू होगा तब तो फायदा होगा, लागू तो है नहीं। शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकानें बंद हो गई और होम डिलीवरी चालू हो गया। तो ये तो आप देखते हैं पूरी दुनिया में बहुत सारे सामान आप ऑनलाइन खरीदते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो नीतीश कुमार का ऑनलाइन शॉपिंग मॉडल है जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। चौथा, इसका जो कुप्रभाव है, आर्थिक कुप्रभाव ये है कि बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, सरकार में जो बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके पास। और इसका सामाजिक जो पहलू है, जिन महिलाओं के एम्पावरमेंट के नाम पर इसको लागू किया गया है, एक पहलू वो बताया जाता है, तो सबसे ज्यादा इससे प्रताड़ित भी महिलाएं ही हैं। जब से शराबबंदी लागू की गई है तो बिहार में 6,37,000 से ज्यादा शराबबंदी से जुड़े हुए केस रजिस्टर किए गए हैं। उसमें से करीब 1,25,000 केस, 1,25,000 के आसपास केस अभी भी थानों में, न्यायालयों में लंबित है। और ज्यादातर ये लोग वो हैं जो समाज में गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, क्योंकि उनके पास साधन है नहीं। जब ये केस हो जाता है और लोग जेल में होते हैं या थाने कोर्ट कचहरी में दौड़ते हैं तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, क्योंकि पुरुष तो पकड़ लिया गया और जिस महिला के एम्पावरमेंट के नाम पर आपने ये कानून लागू किया, अब उसी को थाने में जाके दौड़ना पड़ता है, वकील के सामने दौड़ना पड़ता है, अपना गहना जेवर पैसा जो है उसको बेचकर काम करना पड़ता है। इन चारों पहलुओं को मैंने विस्तृत तौर पर पहले भी समझाया है और इसी आधार पर मैं शराबबंदी के बिल्कुल खिलाफ में हूँ।